मेरा नाम है डाइटिशियन नताशा मोहन और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ईट राइस एंड रोटी टू लूज योर वेट फास्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और यही तो समस्या थी मेरी क्लाइंट शालू की। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि मुझे रोटी और चावल छोड़ के अपना वजन नहीं कम करना, क्योंकि वो बहुत बार डाइटिशियन ज्वाइन करके पतली भी हो चुकी थी, भूखे रह के भी देख चुकी थी और कीटो डाइट भी फॉलो कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो डाइट छोड़ती थी उनका वेट पुट ऑन हो जाता था, क्योंकि वो अपना नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाना शुरू कर देती थी। अब बताइए, घर का खाना भी नहीं खाएंगे तो जरूर पतले हो जाएंगे, लेकिन जब खाना खाना शुरू करते हैं तो डबल वेट पुट ऑन हो जाता है। आप में से कितने लोगों की ये वाली समस्या है जल्दी से कॉमेंट करके मुझे अभी के अभी बता दीजिए। अब समस्या तो पता लग गई, लेकिन हल का क्या? हल तो वही है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर आप घर का खाना खा के ही पतले हो सकते हैं तो उसे छोड़ के क्यों पतले होना चाहते हैं? और अगर छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डेफिशिएंसी आप लोगों में अवश्य आएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी डेली रूटीन और डेली मैक्रोज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। लोग रोटी और चावल के नाम से आजकल ऐसे भागते हैं जैसे भूत देख लिया हो। लेकिन रोटी और चावल खाकर ही तो हम पले बड़े हैं और इसी को खाकर तो हमें एनर्जी मिलती है। और यही तो वो खाना है जिसको हम खाते हैं तो एकदम शांति सी मिलती है, तृप्ति मिलती है और दिल को सुकून भी मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप तृप्त रहेंगे तो ओवर ईटिंग का कोई चांस ही नहीं है। तो अब करते हैं बात शालू की। तो जिस दिन पहले दिन मेरे पास शालू आई थी, उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का भंडार इकट्ठा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि रोटी और चावल बेचारी घर में बनाती तो हैं घर वालों के लिए, लेकिन सिर्फ सूंघ सकती हैं, खाना इज नॉट अलाउड। क्योंकि जिनको वो फॉलो कर रही थी उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली रोटी और चावल खाना खाने से मना करा था। उससे इतना ज्यादा डरा दिया था कि शालू का खाने के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था। शालू तो अब खाना खाने से डरने लगी थी। तो मैंने उसे यही समझाया कि अगर आपने कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है तो कर लीजिए, लेकिन नॉट मोर देन 7 or 8 days, बिकॉज दीज फैट डाइट्स विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। शालू की सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज मुझे दाल चावल मिलेगा क्या खाने के लिए? एंड आई सेड यस ऑफ कोर्स, ये तो आपका हक है, ये तो वही खाना है जो आपका सोल फूड है, तो आप इसको कैसे नहीं खा सकते? देखिए, जब रोटी की बात आती है और या फिर चावल की बात आती है तो काफी लोग ये समझते हैं कि इनके अंदर सिर्फ कार्ब्स ही मौजूद है और कुछ भी नहीं। लेकिन रोटी के अंदर प्रोटीन और फाइबर भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है और चावल के अंदर होता है रेजिस्टेंट स्टार्च, जिससे आपके गट बैक्टीरिया को पनपने में और आपकी गट को और भी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिलती है। और तो और, रोटी और राइस बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। रोटी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का भंडार है, जैसे कि कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है और तो और कैल्शियम भी मौजूद है। और चावल के अंदर मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, कितनी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमारी डेली रूटीन में हमारे शरीर को जरूरत पड़ती रहती है। और तो और, अगर इनका जीआई इंडेक्स हाई भी है, उसको कम करने का तरीका मैं सिखाऊंगी आपको। जीआई इंडेक्स हाई होने का मतलब कि जैसे आपके शरीर में जाके आपके शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं, उसको कम करने का भी बड़ा ही आसान उपाय है मेरे पास। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो अब रोटी और राइस के गुण तो आप जान चुके हैं, जल्दी से आइए देखते हैं शालू का मजेदार वेट लॉस डाइट प्लान। सुबह सुबह की शुरुआत करती हैं शालू 4 और 5 के बीच में, क्योंकि उन्हें काम पे जाना होता है सुबह सुबह 6 बजे। तो वो सुबह सुबह ऐसा ही नाश्ता बना सकती हैं जिसमें झटपट मिनटों में तैयार हो जाए और ज़्यादा तामझाम भी ना हो। तो मैंने उन्हें दिया था फ्रूट मिल्क शेक। तो अगर वो इस शेक को पीती थी कम से कम 3 घंटे तक तो उनको नहीं भूख लगती थी। और क्योंकि उन्होंने मेरा डाइट प्रोग्राम गर्मियों में ज्वाइन करा था तो खूब मज़े से वो या तो एप्पल का शेक या बनाना का या फिर मैंगो का शेक एंजॉय करती थी सुबह सुबह। उसमें वो लेती थी कोई भी एक फ्रूट, साथ में आधा ग्लास दूध,
आधा ग्लास पानी और मजेदार एकदम स्वादिष्ट मिल्क शेक है तैयार। तो 6 और 7 बजे के बीच में शालू करती थी अपना नाश्ता और निकल जाती थी काम पर। जिन लोगों को मिल्क शेक पीना पसंद नहीं है वो ले सकते हैं या तो एक वेजिटेबल सैंडविच विथ 2 slices ऑफ ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड एंड यू कैन हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 slices ऑफ पनीर। या फिर अगर आप चाहें तो पोहा ले सकते हैं एक बोल पीनट्स के साथ में, या फिर आप चाहें तो ले सकते हैं उपमा। और अगर मूंग दाल खानी पसंद है तो उसका चीला भी बना के ले सकते हैं, लेकिन मूंग दाल की क्वांटिटी रहेगी 30 से 40 ग्राम। तो इतने सारे नाश्ते के ऑप्शंस के साथ में जो कि है हाई प्रोटीन न्यूट्रिएंट डेंस और तो और कार्बोहाइड्रेट से लोडेड जो कि है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो ये नाश्ता खाइए, अपनी दिन की शुरुआत करिए और फिर देखिए कितनी जल्दी आपको अच्छे खासे वेट लॉस रिजल्ट्स मिलने भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हुई नाश्ते की बारी, बाकी 11 बजे शालू लेती थी अपना एक मिड मॉर्निंग ब्रेक। उसमें वो लेना पसंद करती थी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स उनको अलाउड थे तकरीबन 4 भीगे हुए बादाम, 2 भीगे हुए अखरोट और 1 खजूर। लेकिन जिन लोगों ने सुबह फ्रूट शेक नहीं पिया वो लोग इस समय पे फ्रूट्स ही लें, क्योंकि फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर खूब सारे विटामिन और मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो डेली रूटीन में आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो फ्रूट्स में आप ले सकते हैं 1 एप्पल, 1 बनाना, 1 पूरा मैंगो या फिर गर्मियों के सीजन में आने वाले कोई भी अच्छे से फ्रूट। अब जाहिर सी बात है जब उन्होंने इतने से नट्स लिए हैं 11 बजे तो बहुत ही जल्दी 1 से 1.5 घंटे के बीच में उनको लग जाती थी भूख। उस समय मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया था अपना वेट लॉस पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इसमें एकदम गिनती का हर एक इंग्रेडिएंट डला हुआ है। पूरे पोषण कंट्रोल के साथ में ये वाली रेसिपी बनाई गई है और ये मज़ेदार रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरी इसी चैनल में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर ही दूंगी। लेकिन इस रेसिपी को देखने से पहले पूरी बात समझ लीजिए, क्योंकि शालू के पास टाइम की कमी थी उनको मैंने ये वाला 1 pot meal ऑप्शन ही दिया था, क्योंकि इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता और इसकी तैयारी भी एक रात पहले करके सो सकते हैं। लेकिन आप में से जो लोग हाउसवाइफ्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो बच्चे हैं अपनी मम्मियों के ऊपर निर्भर हैं और जो लोग रोटी खाने के शौकीन हैं वो ले सकते हैं इस समय 2 फुलका, हल्का सा घी लगा के, और ले सकते हैं कोई भी 1 हरी सब्जी, अच्छे से कटोरी भर के डालिएगा और 1 quarter plate खाइए सलाद की, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और 1 कटोरी दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल जो भी घर में बनी है, और हरी सब्जी में भी नखराज नॉट अलाउड, घिया तोरी टिंडा ये सारी सब्जियां आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो एज इट इज अपनी प्लेट को सजाइए, खाना खाइए और खाना खाने के बाद इंजॉय करिए, क्योंकि आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। दोस्तों आपको तो पता ही है ऑफिस सिनेरियो में 4 बजते ही शाम की चाय और उसके साथ गर्मा गर्म समोसे पकौड़े या फिर कोई भी ऐसा स्नैक जो पूरे ऑफिस के लोग खा रहे हों तो आपका मन कैसे नहीं ललचाएगा। क्योंकि शालू को पता था अगर इस टाइम पे उन्होंने गड़बड़ कर दी तो पूरे दिन की मेहनत उनकी हो जाएगी बेकार। तो उनकी मेहनत को बेकार होने से मैंने बचाया बाय गिविंग दीज वेरी ऑप्शंस। इनफैक्ट मेरे ये वाले स्नैक्स का ऑप्शन देख के उनके ऑफिस के लोगों ने अपनी समोसा पार्टी छोड़ शालू को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको दिया मखाना की भेल या फिर वो ले सकती थी मुरमुरा की चाट। ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद टेस्टी ऑप्शंस हैं। अब अगर इन ऑप्शंस को आप लोग भी अपनाएंगे तो बाहर का बेकार का जो नमकीन है उसको खाना भूल जाएंगे। अब पैकेट खोल के खा तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। तो इन्हीं ऑप्शंस को अपनाइएगा, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर द पोर्शन साइज, आप लोगों को अलाउड है 1 छोटी कटोरी इस पर्टिकुलर स्नैक की। अगर आप लोगों को याद होगा तो शालू की ज्वाइन करने की सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि मुझे रोटी और चावल तो चाहिए, क्योंकि घर में मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ लेकिन खुद नहीं खा पाती, बहुत ज़्यादा परेशान थी बेचारी। तो अब आ गया है टाइम शालू के डिनर का। अब डिनर में जाहिर सी बात है सभी औरतें जो हैं घर के कामों में जुट जाती हैं कि पूरी फैमिली को एक साथ बैठ के एक बढ़िया सा मील खाने को मिलता है, लेकिन शालू बेचारी वही रूखा और बेजान खाना खा के तंग आ चुकी थी। सिर्फ 1 खीरा खा ली और आधी कटोरी दाल, बेचारी का पेट ही नहीं भरता था उससे।
तो शालू को मैंने दिया बेहद दिलचस्प ऑप्शन। उनके पास थी मेरी ये वाली स्टफ्ड रोटी की ऑप्शन, जिसमें ज़्यादा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो ही नहीं, उनके घर वाले भी इस रेसिपी को ट्राई करके बेहद खुश हुए और इसके साथ वो ले सकती थी आधी या एक कटोरी दाल जो भी घर में बनी है, या फिर कोई भी हरी सब्जी या फिर आधी कटोरी दही। तो दोस्तों, अब शालू सीख चुकी थी खाना खाने का बिल्कुल सही तरीका, जिसकी वजह से खा पी के उनका वेट लॉस होने भी लगा। और आपको जान के खुशी भी होगी कि 3 महीने में शालू ने कम कर लिए थे 20 किलो, और उस 20 किलो का श्रेय जाता है सिर्फ शालू को, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की सुनी और तरीके से घर का खाना खा के जो सब खाते हैं उसी को खा के अपना वेट लॉस रिजल्ट अचीव करा। तो अगर वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। लेकिन चंद ऐसी टिप्स हैं जिनको आपको और भी फॉलो करना पड़ेगा। शालू रोज मुझे अपने पेडोमीटर का हिसाब किताब भेजा करती थी मैसेज पे। रोज 10,000 स्टेप्स शालू ने पूरे करे, और हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ही आसान, चेयर एक्सरसाइजेस, बेड एक्सरसाइजेस, क्योंकि उनका लोअर बेली फैट भी ज़्यादा था। और हाँ, हमारी शालू टाइम की बड़ी पाबंद थी, रात को एकदम 9 बजे सो जाया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह सुबह उनको जल्दी उठना है। तो आप भी अगर 7-8 घंटे की नींद पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, और पानी भी 3 से 4 लीटर पीना ना भूलें। तो बस इन चंद टिप्स को फॉलो करिएगा और शालू की तरह आप लोग भी मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स देखेंगे और ज़रूर आप लोगों का भी वेट लॉस होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कोई सवाल है तो पूछ डालिए, मैं बैठी हूँ ना आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। और हाँ, मैं मिलूंगी आपको और बड़े सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।